मेरे जितने भी देखने वाले हैं मोटरवे के रिलेटेड और शिकार के रिलेटेड वीडियो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी और वीडियो करते हैं जी शुरू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, या इली हक है आल फ्रेंड आल व्यूवर्स आल सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो शुरू जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी एक नहर है जी। ये नहर मंगला डैम से आ रही है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जगह सारों की वाली नहर इसे बोला जाता है। और ये जो रोड आ रहा है ये आ रहा है सरगोधे से गुजरात शेख चौक से निकल के। तो आज का ये जो व्लॉग है ये सियालकोट उखाड़िया जो मोटरवे है उसी के रिलेटेड ही ये व्लॉग है। आज आपको ये मुतारफ कराना है कि जो सियालकोट उखाड़िया मोटरवे है ये किधर किधर से लीक आ रही है और किधर किधर से इसे बाईपास दे के तो सारी ट्रैफिक को सारे सिस्टम को ये इकट्ठा कर रहे हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये गाड़ियां आ रही हैं सरगोधा से और मंडी बावलदीन से। ये वाली ये सारों की वाली नहर है जो मशहूर तरीन है। और इस साइड से ये रोड आ रहा है और नहर के दूसरे किनारे से जा रहा है। तो चलें मैं आपको रोड की जो पूरी कंडीशन है या जिस साइड से रोड गुजर रहा है वो भी दिखाता हूँ। आगे इन्होंने नहर के ऊपर फ्लाई ओवर दे के तो इस रोड को गुजरात जो डिंगे वाला चौक है गुजरात वहाँ पे मिलाया। और ये जो रोड जा रहा है इस साइड पे ये रोड जाएगा बिस्मिल्ला चौक लाला मूसा और जितनी भी सरगोधा वाली ट्रैफिक है मंडी बावलदीन वाली ट्रैफिक है पंजाब वाली ट्रैफिक है जितने भी साइड पे गाँव है शहर है वो सारी ट्रैफिक जो है ना वो बिस्मिल्ला चौक से मोटरवे पे इन हो जाएगी और बिस्मिल्ला चौक से इस साइड पे आ जाएगी जो मंडी बावलदीन या गुजरात वाले जितने भी हैं। तो चले मैं रोड की आपको कंडीशन दिखा दूंगी। सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड हो जाएंगे तो लाहौर और सीधा सरगोधे। इस टाइम मैं गुजरने लगा हूँ जी शहीन चौक से ही है जो कि आप फ्लाई ओवर देख रहे हैं कि ये शहीन चौक का फ्लाई ओवर है। ये सीधा जो ये रोड जा रहा है ये सीधा जा रहा है जी सरगोधा रोड भी से बोलते हैं और ये सीधा रोड जा रहा है सरगोधा को मंडी बावलदीन और कंजा को। आगे इन्होंने जो सारों की नहर के साथ साथ जो रोड बनाया वो रोड सीधा जाएगा खारियां बिस्मिल्ला चौक में। आगे आपको पता है कि मोटरवे है और इधर की भी ये जितनी ट्रैफिक आप देख सकते हैं ये इधर से भी मोटरवे पे इन हो सकती है और इधर से भी ये शहबाजपुर ब्रिज पे जा सकती है। उस रोड को जो नहर के किनारे आ रहा है इससे ये मिलाएंगे शहबाजपुर पुल के साथ जी। तो चले आगे आप मनाजर ये देख सकते हैं जी सारे ये जितनी ट्रैफिक है ये सारी बिस्मिल्ला चौक से इधर से मोटरवे के ऊपर इन हो सकते हैं। चलें आगे की वीडियो भी आपको दिखाता हूँ जी। पहले मैंने आपको जो पुल के मनाजर थे वो दिखाए हैं थोड़ी देर पहले। आप ये देख सकते हैं ये जो नहर है ये मंगला डैम से निकल के आ रही है और ये जो नहर है आगे जो इस्लामाबाद टू गुजरात वाला जो रोड है जीटी रोड भी कह सकते हैं या रोड कह सकते हैं कुछ भी आप कह लें वहाँ से भी ये गुजर के आती है क्योंकि ये मंगला डैम से तो आ रही है। तो ये इन्होंने रोड बना दिए इधर ये रोड जाके बिस्मिल्ला चौक खारियाँ जाके टच होगा जहाँ से आगे इधर की जितनी भी पब्लिक है जितनी भी ट्रैफिक है वो जो सरगोधा वाली साइड और समझ ले कुंजा हो गया जी उसके बाद आप कह लें कि जितनी भी इस साइड की पब्लिक है सरगोधा से पीछे पीछे वो सारी पब्लिक सारी ट्रैफिक वो सारी की सारी वो जो है खारियां इंटरचेंज पे यहाँ से बाईसानी चली जाएगी। पीछे आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूरी पे जो कि कंजाव वाली नहर है इसे सारों की वाली नहर बोलते हैं और ये सामने सारों की गाँव है जी और इस साइड पर सारों चक है जी। और रोड आप देख सकते हैं काफ़ी दिन हो गए थे कुछ भाई मुझे कह रहे थे कि शाह साहब इस रोड का हमें बताएं कि ये रोड कहाँ पे जाके निकलेगा। और इसी रोड के आगे ये एक ब्रिज बना रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके। वो जो ब्रिज है वो सीधा जाए नहर के ऊपर फ्लाईओवर बना के तो वो जा रहा है जी गुजरात को जी। इधर फ्लाईओवर बनेगा ये सामने आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के जो इन्होंने पाइप वगैरह वो इन्होंने लगा दिए बोरिंग हो चुकी है इस साइड पे और उस साइड पे बोरिंग भी हो चुकी है और उन्होंने वो जो सरिये वगैरह बीम वो भी डाल दिए जी ये आप देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं जी काम शुरू हो गया जी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो फ्लाईओवर बनेगा
इस रोड को जो लिंक आ रहा है आगे, ये जो रोड बन रहा है ये सीधा जा रहा है जी गुजरात डिंगे वाले चौक में जी, ये वाला। और ये सारों की और झंडेवाल कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बीचों बीच ये गुजर के ये जीटी रोड जाएगा। और उस रोड के ऊपर जितनी भी जगह वो सारी खरीद ली गई है सिर्फ और सिर्फ टाउन बनाने के लिए जी। और पहले यहाँ पे एक एकड़ का, एक किले का रेट था तकरीबन 25 लाख, अब तकरीबन 95 लाख और एक करोड़ तक एक किला जा रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं इस साइड पे जो रोड जा रहा है ये सीधा रोड जाएगा बिस्मिल्ला चौक में। बिस्मिल्ला चौक में जब ये रोड पहुंच जाएगा सरगोधा और मंडी बावलदीन के जितने भी गांव हैं वो सारे इस रोड को लिंक करते हुए वो सीधे बिस्मिल्ला चौक पहुंचेंगे और बिस्मिल्ला चौक से मोटरवे के ऊपर इंटर हो जाएंगे और सीधे उसी रास्ते से लाहौर भी चले जाते हैं, सियालकोट भी चले जाते हैं, जैसे उनका दिल करे वो जा सकेंगे। अगर वो इधर से आके हो जाते हैं राइट हो जाते हैं तो ये रोड सीधा जाएगा गुजरात, और गुजरात से फिर ये जलालपुर जट्टा या के वज़ीराबाद, वज़ीराबाद से फिर संभड़ेवाल, या गुजरात से जलालपुर जट्टा, जलालपुर जट्टा से फिर संभड़ेवाल जी। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जी, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जी ये। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रैवलिंग है ये बहुत आसान होगी, जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो बिस्मिल्ला चौक से हो जाएंगे वो राइट और इसी रोड पर वो आएँगे और सीधे वो चले जाएँगे मंडी बहावलदीन या कुंजा या जो भी इधर गाँव है, ज़्यादा तो मुझे नाम नहीं जी आते, इस साइड पे वो चले जाएंगे। नहर की दूसरी साइड पे मैं आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर वगैरह उन्होंने जो कि ज़मीन में दसा दिए हैं जी, ये सामने आप मंजर देख सकते हैं। और इस साइड पे देख लें इधर बनेगा फ्लाईओवर, दूसरी साइड की वीडियो आपने देखी है। और फ्लाईओवर बन के तो जो रोड आ रहा है क्या लें कि शबाजपुर हैड कादराबाद से इसी नहर के किनारे किनारे और आगे जा रहा है जी बिस्मिल्ला चौक में। और इधर से फ्लाईओवर बना के यहाँ से आप राइट हो जाएंगे तो ये सीधा रोड जाएगा जी गुजरात डिंगे वाला जो चौक है वहाँ पे, ये गुजरात को टच कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टोन्स बनेंगे आगे जाके, वो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ जी इंशाल्लाह। ये सारा जितना भी अल्लाह ताला ने हम पे करम किया ये सारा मोटरवे की वजह से हो रहा है। ये रोड आप देख रहे हैं, मशीनें वगैरह यहाँ पे आ चुकी हैं, ये रोड जा रहा है जी गुजरात को जी सीधा। तो गुजरात से बिस्मिल्ला चौक भी पहुँचा जा सकता है इसी रास्ते से जो कि नहर के किनारे किनारे। और ये जितनी भी ये सिस्टम है, ये जितनी भी ये सूरत हाल है, ये जितना भी ये हिसाब किताब है ये सारा और सारा मोटरवे के रिलेटेड है जी। और इस साइड पे जितनी जगह यहाँ पे भी टोन बनेंगे, जो पहले भी अपनी वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ कि पहले भी अपनी वीडियोस में आपको मैंने बताया जी कि जो एक किला 25 लाख का था वो यहाँ पर हो गया जी तकरीबन 1 करोड़ का। और माशाल्लाह जो रोड की चौड़ाई है ये भी आप देख सकते हैं जी। और ये रोड सारोचक और झंडेवाल को गांव है उसके पास से गुजर के ये जा रहा है जी सीधा गुजरात। ये देखें ये रोड देख सकते हैं। और इस साइड पे सामने जो शहीन चौक से रोड निकल के सरगोधा को जा रहा है, मंडी बावलदीन को जा रहा है वो है जी। उधर से आप हो जाएंगे जी राइट हैंड तो सीधा बिस्मिल्ला, और इधर से अगर आप राइट हैंड होते हैं तो फिर वापसी गुजरात जी। तो काम ज़ोरों शोर से शुरू है जी, काम को बूस्ट दिया गया है। इस टाइम बूस्ट का मतलब है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये काम कंप्लीट हो, और जितने फैक्ट्रीज एरिया हैं वो सारे बाहर आ रहे हैं जी। और इधर काफ़ी बड़े बड़े टोन्स बनेंगे। और सुनने में ये भी आया जी कि जो बैरिया टोन वाले हैं वो भी यहाँ पर अपना टोन बनाएंगे जी, बैरिया टोन गुजरात के नाम से जी। तो चलें इंशाल्लाह ताला वीडियो का इख्तिताम करता हूं जी दूसरी साइड से आपको व्यूज़ दे के जी इंशाल्लाह। तो मेरे जितने भी भाई देखने वाले हैं जी मेरे लिए दुआ किया करें जी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊं जी अपने चैनल पे जी। ये वो वीडियो थी जी जो पिछले दिनों में वायरल हुई थी कि जो कह रहे थे कि ये रोड जा रहा है, वो ही रोड है जो सारोगी से निकल रहा है नहर को, नहर के किनारे किनारे और जा रहा है जी सीधा ये बिस्मिल्ला चौक। और थोड़ा सा सारोगी से आगे आएंगे तो इन्होंने एक फ्लाईओवर दिया है, ये आप देख सकते हैं कि मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ से आप राइट होकर गुजरात भी जा सकते हैं, जो
जिन्होंने गुजरात जाना है वो भी इधर से जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा रोड है, काफ़ी जो हैवी ट्रैफिक है वो भी यहाँ से जा सकती है जी गुजरात को जी। बिस्मिल्लाह चौक से भी उतर के इधर से गुजरात जाया जा सकता है जी। जो सियालकोट से आते हैं जी ट्राले वगैरह या जितनी भी समझ लें आपके जितने भी ट्रैवलिंग करने वाले हैं ना जो सियालकोट से आएंगे वो बिस्मिल्लाह चौक उतर के तो उस रस्ते से भी सीधे गुजरात जा सकते हैं, उस इस रोड से भी गुजरात आ सकते हैं। और जितने बिजनेस में आ रहे हैं वो सारे इसी रोड के ऊपर निकल रहे हैं, ये पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है जी। तो चलें आज की वीडियो आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फनाम जलालपुर जटा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें।